ये तो हरियाणा के सभी गांव की एक समान संस्कृति है, लेकिन इसके अलग हर गांव की अपनी एक पृष्ठभूमि है, अपना एक अस्तित्व है, अपनी एक पहचान है। अगर आप अपने गांव से प्यार करते हैं और उसकी जानकारी से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कहते हैं कि जल ही जीवन है और ये नदियों का संगम इस गाँव के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लाइब्रेरी को स्टार्ट हुए कितना टाइम हो चुका है और इस लाइब्रेरी से गांव को कितना फायदा हुआ है? लाइब्रेरी को स्टार्ट हुए कम से कम 2 साल हो गए। लॉकडाउन के तहत ही इसका निर्माण किया गया था और तब इससे फायदा यह है कि पहले बच्चों को जैसे मन पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता था तो वहां पर डेली वेज जाना और डेली वेज आना, जैसे अब सर्दियाँ चल रही हैं तो यहाँ बच्चे जा भी सकते थे, उनको पढ़ाई का नुकसान हुआ करता था। तो अब जैसे ही लाइब्रेरी बन चुकी है, अब सभी बच्चे यहाँ आते हैं। सुबह करीबन 8 बजे के बच्चे 8 बजे करीब यहाँ पर आ जाते हैं और यही शाम को 7-8 बजे करीब अपने घर चले जाते हैं, जिससे कि टाइम भी बचता है और उनको पैसे की बचत होती है, जिससे शहर जाने से अच्छा पढ़ लेते हैं। आपको लाइब्रेरी के लिए आर्थिक सहयोग कहाँ से मिला? सबसे ज़्यादा सहयोग तो इसमें पंचायत का रहा है, तो साथ ही साथ इसके ग्रामवासियों ने भी बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है। और अभी जैसे वो तो कम्प्लीट हो गया, लेकिन अब बच्चे अपने सहयोग से इसको चला रहे हैं। जैसे इसमें जो भी छोटे मोटे काम होते हैं, बच्चे अपने सहयोग से जो फीस रखी हुई है उसके साथ ही इसका काम चलाते हैं। और इसमें ये जरूरी नहीं है जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो फीस जरूर दे, वो ना भी दे तब भी इसका काम चलता रहता है, बच्चों के सहयोग के द्वारा ही चलता है। सर, अपना जो गाँव है काकोत, यहाँ के बुजुर्ग किस गाँव से आके बसे थे, कब आके बसे थे, किस कमी में आके बसे थे यहाँ पे? पहला गांव था कलसी, कैथल के पास है कलसी, बसे था कलसी है कैथल के पास, नोमी वाला कुआ के ऊपर। उस ते फिर यू जाके गांव बसया बड़ैले, बड़ैले ते फिर बालू की अरे आबड़ी की दैड़ पड़े गए थी, उन ते घबरा के फिर इन पाई वाले ने यू गांव बसाया था उरे कौकत को। इस्ते जमीन दी थी 27,000 बीघे, 27,000 बीघे जमीन दी इस कौकत दी थी। फिर 27,000 बीघे मत 9,000 बीघे इन्हें कौकत वाले ने पंडित तय दान कर दी थी पिलनी तय। 9,000 बीघे में तो पिलनी बस रही है और 18,000 बीघे रकबा रह गया था कौकत। पूरा के रौला पड़ गया भाई, यू खेड़ा इसका उरा ना बांधा परा ना बांधा। फिर बाबा था बिहारी, उस बाबा ने कहने लग गया भाई जे इस जोड़ तो परा तो बांधेंगे थारा वादा नहीं होता, उरा ने तो है धन और जे भाई इस जोड़ तो इसमें पूर्व की साइड में बांधेंगे, पूर्व की साइड में बांधेंगे उठाया थारा वादा। फिर बडेरुआ ने उस टाइम भाई जो क्यों उस टाइम धन की तो लोड़ो को नहीं थी किसी ने ना उसकी थी भाई, उन्हें वादा ही नहीं होने का फिर के करेंगे। वादा की वजह था पहले उरला पासा यू गांव बंधवा दिया था, बंध दिया था ये वो बाबा का डेरा है यू नहरता परला पासा भी उसका हनुमान मंदिर का, हनुमान मंदिर था उसमें अजो बाबे वो ये वो हनुमान मंदिर तो दोबारा बना दिया, पहले तो मूर्ति थी छोटी सी, ईव गांव ने वो करके एना अच्छा तकड़ा मंदिर बना दिया। मंदिर बनाने की वजह से यू वह इसका बोर्ड का अंडर आ गया, कुरुक्ष विकास बोर्ड का अंडर आ गया कुरुक्षेत्र के, यू उरे धाम था यू लिख रखा धाम का नाम देखी हैं, कुकृत नासन मंद धाम था उरे, उसकी उसमें आने की वजह से यू उरे इसने विकास बोर्ड ने इसको ग्रांट दे दी, 3/45 की दी थी ग्रांट मन दिखा है अग 2/45 की, हाँ 2/45 की ग्रांट दे दी। ईब उसके वजह से वो घाट भी बन गए और यू मंदिर मंदिर भी बन गया, सारा जितना भी है ऑल बन गया है उसका। डांगरा पे भी, भैंसा पे भी, दूध पे भी, दूध पे भी हुआ, और दूध का काम भी बहुत बहुत ज़्यादा आदमी कर रहे हैं पूरे गाँव में, और इसका मुलाजम भी कोई 150-160-170 मुलाजम भी है, दोनों तीनों चीज़ हो रही है, खेती पे भी है, दूध पे भी है और इस पे भी है। सर, गांव में कमाई के क्या साधन है, लोग जॉब पे ज़्यादा डिपेंडेंट है या फिर खेती पे ज़्यादा डिपेंडेंट है? देखो जी, शुरू में तो आज सिर्फ खेती खेती पे डिपेंड है, अरे ई भी इस टाइम जॉब पे
इतना जोर हो रहा पढ़ाई पे, इतना जोर हो रहा भाई, बच्चे अपना आप पढ़ पढ़ कर अपना आप लागन लाग रहे हैं, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं, कोई किसी प्रकार की जरूरत नहीं। पहले उरे मुलाजम बताया, एक्साइज में कमिश्नर भी रह लिया, हाई कोर्ट में यू जज भी है, इस टाइम SDM भी लग रहे हैं। सर, अपने गांव की जो गलियां हैं वो बहुत ज़्यादा पतली हैं, तो उनको बनाते समय ये जान क्यों नहीं रखा गया कि ये गलियां पतली हैं तो इसमें गुजरने से बहुत दिक्कत होगी? ये गुड्डी ये बात है कि जो जिस तरह बड़ा लेता है आए थे उरे डर के मारे तो आई थे, और उरे आबादी थी थोड़ी, आबादी थोड़ी की वजह से ही गलियाँ में मतलब न्यू है भी ज़्यादा कोई साधन नहीं बढ़ सके इन्हें मारने खातर, भाई अपनी सुरक्षा के लिए ही गली छोटी बनाई थी, भाई ज़्यादा पब्लिक हुआ नहीं आ सका ऊपर था टोलड़ा या कुछ बरसा सके, और साधन लड़ने का कोई है नहीं था। सर, गांव की टोटल पॉपुलेशन और गांव में टोटल वोट कितने हैं? पॉपुलेशन तो है जी लगभग 11,150 और वोट हैं 5,354। इस गांव में यादव जाति के लोग भी रहते हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इस गांव में इनके कितने परिवार रहते हैं और ये कहाँ से आए थे। 10-12 घर हैं जी इसमें, जो गाँव बसा था जो कि आए हुए हैं। सर, अपने गांव कोकत में जो पंडित बिरादरी है वो कहां से आई थी, कब आई थी और कैसे आकर बसी थी यहां पे? सबसे पहले तो ये जो है राजस्थान से चले थे, पूरे का पूरा जो गांव है राजस्थान से ही चला था। उसके बाद यहां पर कलसी, जो हमारे बुजुर्ग है वो बताते हैं कि कलसी में गांव बसा, फिर उधर से आक्रमण हुए, कुछ आक्रमणकारियों ने आक्रमण करे और फिर आकर के पाई के पास बड़ैला जो गांव है थे मानते हैं उसको, फिर उधर से फिर आक्रमण हो गए, फिर आक्रमण होने के बाद गांव काकोत में यहां पर बसे। साथ साथ ही जो गुज्जर बिरादरी है, ब्राह्मण है, वो इकट्ठे ही साथ साथ में राजस्थान से ही आए थे, और हमारे यहां पर जो है कौशिक सवाल गोत्र के ही ब्राह्मण हैं और यजमानी जो प्रवृत्ति है वो साथ में ही चल रही है। सर, महाभारत काल से इस गांव का क्या रिलेशन है? बस यहाँ पर लोगों के कथन के अनुसार माता कुंती का तंबू बताया जाता है कि यहाँ पर लग गया था। सर, अपने गांव में कितनी जातियाँ हैं, कौन कौन सी हैं और वो कहाँ कहाँ से आई थी? पहले तो मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि की टीम को स्वागत करता हूँ अपने गाँव कागोत में पहुँचने पर। हमारा गांव काकोत गुज्जर बहुल्य गांव है, लेकिन गांव के अंदर 36 बिरादरी है और 36 बिरादरी समान भाव से बिना भेदभाव के रहती है, और गांव के अंदर काड़स गोत्र सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा काड़स गुजरों के गोत्र कसाणा, खड़ोवा, तांवर, जिन्नड़, बादव और भी गोत्र हैं, और चमारों के दो गोत्र कटारिया और कैत हैं। पंडित यहाँ पर कौशिक हैं और वो अपने गुज्जरों के साथ, ऐसे सुनने में आया कि जयपुर से जब काफ़ी समय पहले आए थे तो वो भी अपना कालसों के साथ आए हुए थे। इसके अलावा जाटों के परिवार भी हैं यहाँ पर, जाटों के अंदर सहारण गोत के एक ही परिवार के गांव में रहते हैं, और गांव में 36 बिरादरी हैं और सभी समान भाव से बिना भेदभाव के रहते हैं। सर, अपने जो तंवर गोत्र के बुजुर्ग हैं वो इस गाँव में कहाँ से आए थे? पहले तो जी हमारे गांव में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपका जैनल अग्राम ने पृष्ठभूमि के नाम से, ये आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, हमारे जो जाट परिवार के लोग हैं गांव कोकत में, इसके कितने परिवार हैं यहां पर और कहां से वो लोग आके बसे थे यहां पे? हमारे काकोत गांव के अंदर लगभग 14 परिवार रहते हैं जी। ये काफ़ी पुराने समय से रहते हैं, जब से गाँव बसा हुआ उसी टाइम से रह रहे हैं जी। शुराण गोत्र से संबंध रखते हैं जी हम। जो पीछे वाला गांव था, जो जहां से हमारे वंशज आए थे, वो चोपटा खेड़ी के नाम से जाना जाता है जी, वैसे उसको शुराना वाली खेड़ी भी बोल देते हैं। जब से ये गांव बसा है काकोत गांव, तभी से हमारे बुजुर्ग यहां आए हुए हैं। एक्चुअली में हमारा ही जनरेशन बड़ी क्यों नहीं है, इसका यही कारण रहा है कि जब से हमारे वंशज जैसे एक के आगे एक बेटा हो गया, एक के आगे एक बेटा हो गया, वैसे ही चलता आ रहा था। जो भी अब जाके लगभग मतलब 1985 के दौरान हमारा बढ़ोतरी शुरू हुई है जी होनी, इसी करके अब जाके हमारे 14-15 परिवार लगभग पहुंच चुके हैं इस गांव के अंदर। सर, अपने गांव में कोकत में अपने वाल्मीकि समाज के कितने परिवार हैं और कहां से आके बसे थे वो? यो भाई, अपने पाई से आकर बसे थे और अपने 45-50 घर है, बाकी ठीक है और अठवाड़ बहुत है। अपने गाँव से जो है भारतीय सेना में कितने लोग जा चुके हैं? लगभग 20-25 आदमी जा चुके हैं।
20-25 आदमी जा चुके हैं अभी तक, तो अभी नए लड़के हैं उनके नाम पता नहीं। मेरे से पहले सरदारा सिंह, रौनकी राम, रणधीर सिंह, मैंने तो EME में ज्वाइन किया है, मैं टेक्नीशियन था, टैंक मैकेनिक। आर्मी में तो अलग अलग वो है ना, ये AMC में था जो महिंद्र है, तो 1971 की लड़ाई में सरदारा सिंह शहीद हुआ, 1965 की लड़ाई में थे हम J&K में, और 71 वाली लड़ाई में रहा पठानकोट सांबा सेक्टर, छमजोड़ियाँ, और फिर उसके बाद 1973 में मैं आवड़ी फैक्ट्री, टैंक फैक्ट्री चला गया। आज़ाद हिंद फौज के मुख्तारा थे, और एक थे हमारे राम प्रताप। सर, अपने गांव में शिक्षा की व्यवस्था कैसी है? शिक्षा की व्यवस्था जी गांव में हमारे यहाँ प्राथमिक स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, और 3-4 प्राइवेट स्कूल भी हैं, और बच्चे पिछले 2 साल से तो बिल्कुल ही इतिहास बन गया है गांव काकोत का, कि शिक्षा के क्षेत्र में लोग पढ़ के इतने जागरूक हुए हैं कि सबसे ज़्यादा आसपास के गाँव में गवर्नमेंट जॉब हमारे गाँव में लगी हैं, और बच्चे अपनी मेहनत से बच्चों ने ये लाइब्रेरियाँ बनी हैं, 2 लाइब्रेरियाँ हैं, एक इधर है, एक गांव के उस साइड है, और इस गांव ने PN से लेके और हाई कोर्ट तक के जज इस समाज को दिए हैं, और अभी पीछे फ़िलहाल हमारे एक STO साहब लगे हैं, वो भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, और मैक्सिमम बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़कर ही अपने अपने क्षेत्र में गाँव का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं भी लेखक हूँ, और मेरी भी 6 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं, और हरियाणा सरकार से मेरे को भी 2018 के लिए युवा लेखक अवार्ड मिला है।